साथियों स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, अगर आप उड़द की खेती करते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे उड़द की उन्नत वैरायटी प्रतापवन वैरायटी की विशेषताओं के बारे में। किसान साथियों, प्रतापवन वैरायटी की बात करें तो साथियों इस वैरायटी की जो पौधे होते हैं वो मध्यम हाइट के होते हैं। वहीं अगर हम बीज की बात करें तो साथियों बीज बड़े आकार का होता है और ब्लैक शाइनी कलर का होता है। जैसे कि आप देख सकते हो बीज काफी अच्छा गहरे काले कलर का है। इसके अलावा साथियों अगर मैं बीजों की अंकुरण प्रतिशतता की बात करूं तो साथियों 75% के आसपास प्रतापवन वैरायटी के बीजों का अंकुरण होता है। अगर मैं इसकी प्योरिटी परसेंट और जेनेटिक परसेंट की बात करूं तो लगभग 98% तक इसके बीज जेनेटिक परसेंट होती है। इसके अलावा साथियों इस वैरायटी की खासियत यह है कि इस वैरायटी में रोगों और कीटों के प्रति लड़ने की क्षमता काफी अधिक देखने में मिली है। यथाक्षा मित्रों, इसे उड़द की इस वैरायटी में जो पीला मोज़ेक वायरस आता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो समस्या इस वैरायटी में देखने में नहीं मिलती है। इसके अलावा साथियों कई सारे रस चूस कीटक जैसे व्हाइट फ्लाई है, एपिडर्माइस एसिड, उनका प्रकोप भी इस उड़द की प्रतापवन वैरायटी में देखने में बहुत ही कम मिलता है। किसान मित्रों, इसकी फलियां पकने पर एक साथ पकती हैं और चटकती नहीं है। और फलियों में साथियों अगर हम एक फली में दानों की बात करें तो लगभग 10 से 15 के दाने एक फली में देखने में मिलते हैं। किसान मित्रों, प्रतापवन वैरायटी की परिपक्वता की बात करूं तो साथियों ये वैरायटी लगभग 75 से 76 दिन के आसपास में पककर तैयार होती है। साथियों इस वैरायटी की पैदावार क्षमता की बात करूं तो साथियों ये वैरायटी अगर हम उन्नत विधि अपनाकर खेती करें तो लगभग 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ इसकी पैदावार आसानी से ले सकते हैं। किसान मित्रों, अगर मैं इसकी वैरायटी की बीज दर की बात करूं, साथियों आप 1 एकड़ में लगभग 6 से 8 किलो बीज काम में ले सकते हैं। किसान मित्रों, जब भी आप उड़द की बुआई करें तो लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर के आसपास रखें और पौधे से की दूरी आप लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास रखें। साथियों जब भी आप बीजों की बुराई करें तो 2 सेंटीमीटर से अधिक गहरा बुआई नहीं करें। किसान मित्रों, जब भी आप बीजों की बुआई करें तो आप सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें। किसान अक्सर गलती कर जाते हैं जिससे उनकी पैदावार में लगभग 15 से 25% कमी हो जाती है। किसान मित्रों, उड़द एक दलहनी फसल है तो आप इसको जब भी आप बीजों की बुआई करें तो राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके जरूर बुआई करें। इसके अलावा साथियों अगर आपकी फसल में या आपके खेत में दीमक का प्रकोप देखने में मिलता है तो आप क्लोरीपाइरीफॉस 4 ml 1 किलो बीज में मिलाकर बीजोपचार अवश्य करें। इसके अलावा साथियों जब भी आप बुआई करें तो उससे पहले आप वर्मी कंपोस्ट खाद जो कि केचुआ खाद आता है उसका प्रयोग अवश्य करें, जिससे आपकी पौधों की बढ़वार अच्छी होगी, पैदावार में इजाफा होगा। किसान मित्रों, इसके अलावा अगर आपको खेती बाड़ी संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।